अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे माय टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट वर्ड है ट्राई, ट्राई मीन थ्री, नोमेट्री मतलब ज्योमेट्री। इसका मतलब कि हम ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या है, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये किसकी ब्रांच है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फंक्शन ऑफ एंगल। फंक्शन ऑफ एंगल्स जो होते हैं हम लोग उसमें फाइंड करते हैं, हमारे पास कोई भी अननोन एंगल या फिर डिस्टेंस होता है तो उसको हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, अननोन को। थर्ड पॉइंट था हमारे पास कि हमारे पास किस टाइप के कितने एंगल्स होते हैं। मोस्टली हम लोग सिक्स टाइप के जो एंगल्स हैं वो उनको यूज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट इज साइन, नंबर टू इज कॉस, नंबर थ्री इज टेंजेंट, एंड नंबर फोर्थ हम लोग इनके क्या करते हैं, इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। मतलब इनके जो इन्वर्स होते हैं वो हम लोग लिखते हैं। साइन के हमारे पास इन्वर्स जो है वो होता है कोसिकेंट, ठीक है, और कोस का जो इन्वर्स होता है वो होता है सिकेंट, जिसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और टेंजेंट का जो इन्वर्स होता है वो होता है कोटेंजेंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर साइन फंक्शन के लिए, ठीक है, साइन फंक्शन। अब बहुत इजी ट्रिक को यूज़ करते हुए हम लोग इनके फॉर्मूला जो हैं, इनकी वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करेंगे। फॉर्मूला बहुत इजी, स्मॉल सा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड है। हम लोगों ने साइन 30 के लिए फाइंड करना है, साइन 0 के लिए फाइंड करना है, हम लोग इसका नेम दे देते हैं। ये हमारे पास है 0 एंगल, ये हमारे पास 30 एंगल, ये हमारे पास 45 एंगल, और ये है हमारे पास 60 एंगल, एंड दिस वन इज 90 एंगल। अगर हम लोग अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह करके करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, लिटल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थम। थम हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। ये हमारे पास 60 डिग्री की है, 45, 30 एंड 0 डिग्री। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे साइन 0 के लिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट फिंगर बिलो। अब साइन 0 मतलब के लिटिल फिंगर से हम स्टार्ट करेंगे, उसके नीचे तो हमारे पास कोई फिंगर नहीं है, लाइक दिस, इसके नीचे तो कोई फिंगर नहीं है, तो इसका मतलब अंडर रूट 0 डिवाइड बाई 2। अंडर रूट 0 मतलब 0, 0 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0। इसका मतलब साइन 0 हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं साइन 30 के लिए, ठीक है। अगेन वही फार्मूला, अंडर फिंगर बिलो। अब 30 हमारे पास है रिंग फिंगर, रिंग फिंगर के नीचे हमारे पास कितनी फिंगर है, जस्ट 1, तो इट्स मीन अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/2। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे साइन 45 के लिए, ठीक है। साइन 45 जो है हमारे पास मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर लाइक दिस वन, के नीचे हमारे पास कितनी फिंगर है, 2, अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, 1/ अंडर रूट 2 के। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे साइन 60 के लिए, ठीक है। साइन 60 हमारे पास इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर के नीचे हमारे पास कितनी फिंगर है, हमारे पास मिडल फिंगर है, रिंग फिंगर है और लिटल फिंगर, मतलब 3 फिंगर्स है, अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और देन लास्ट हमारे पास है साइन 90। साइन 90 जो है वो थम, ठीक है, इस थम के नीचे हमारे पास कितने फिंगर है, 4, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर एंड द लास्ट वन इज लिटल फिंगर, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 2, अंडर रूट 4 जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल होता है, और 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। इस तरह आप लोगों ने देखा कि हमारे पास साइन 0 0 के इक्वल है, साइन 30 जो है 1/2, साइन 45 जो है 1/ अंडर रूट 2, साइन 60 अंडर रूट 3/2 एंड साइन 90 इज 1। देखा कुछ ही सेकेंड्स में हम लोगों ने ट्रिक को यूज़ करते हुए ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज याद कर ली। नेक्स्ट जो है वो हम लोग कॉस थीटा पे फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।